Hello friends, I'm Dr. Vikram Sharma and I'm consultant arthroscopic surgeon and sports medicine specialist at SportsMed Fortis Escott Hospital, Jaipur. SportsMed is the department of arthroscopy and sports medicine which is here at Fortis, and we provide here all the comprehensive sports medicine services including arthroscopic surgery and sports rehabilitation, enhancement, anti-doping counseling, sports nutrition, sports psychology, everything. तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि घुटने के अंदर स्पोर्ट्स इंजरी, लगामेंट इंजरी और मेनिस्कस इंजरी किस तरह से हो सकती हैं और उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है और आगे चल के हमको उसका क्या इलाज करना पड़ता है। दो और ज़रूरी बातें हैं जो हम लोगों को समझना चाहिए कि यदि किसी स्पोर्ट्स फील्ड में ऐसा इंजरी होती है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। सो उसके लिए एक डिफाइंड प्रोटोकॉल है, वी कॉल इट राइस प्रोटोकॉल, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। तो जब भी स्पोर्ट्स फील्ड में ऐसी चोट लगती है और इतना सूजन आती है तो कभी उस पर मालिश नहीं करना चाहिए, कोई उस पर वार्म एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, उस पर बर्फ़ का सेक हम लोगों को करना चाहिए, वी कॉल इट आइस कंप्रेशन। इसी सब्जेक्ट में हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे कि कुछ कॉमन क्वेश्चंस एंड आंसर होते हैं, कुछ मिथ्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। पहला चीज़ ये होती है कि कितने पेशेंट ये पूछते हैं कि सर लिगामेंट इंजरी, कंप्लीट लिगामेंट टियर है तो क्या वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैं आज आप लोगों को ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपी से कभी भी लिगामेंट को नहीं जोड़ा जा सकता। मैंने जैसा कि टॉक में आपको पहले बताया कि यदि पार्शियल लिगामेंट इंजरी होती है, मतलब लिगामेंट के कुछ हिस्से में डैमेज होता है, तो वो मांसपेशियाँ जो कि लिगामेंट जैसा वर्क करती हैं, मतलब आपका एंटी क्रूशेट लिगामेंट यदि चोटग्रस्त है तो आपको हैमस्ट्रिंग, मतलब जांघ के पीछे के मांसपेशियों को यदि आप ताकत देते हैं तो वो लिगामेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि फिजियोथेरेपी उस लिगामेंट को हील कर सकती है। इसी तरह से यदि कंप्लीट लिगामेंट टियर है तो किसी किस्म का फिजियोथेरेपी उसमें मदद नहीं कर सकता। इसलिए लिगामेंट इंजरी का जो डिसीजन होता है वो बहुत ही बैलेंस्ड होना चाहिए। यदि पार्शियल लिगामेंट टियर है, आप कोई बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, घुटना का डिमांड इतना अधिक नहीं है, तो फिजियोथेरेपी आपको मदद कर सकती है, उस केसेस में हम लोग को सीधा सर्जरी में नहीं जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यदि लिगामेंट पूरी तरह से चोटग्रस्त होता है तो उसमें फिजियोथेरेपी का ट्रायल नहीं करना चाहिए, नहीं तो ज्वाइंट में हम लोगों को डैमेज हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि पेशेंट्स हमें ये पूछा करते हैं कि सर इसमें कितना परसेंट रिकवरी होगा, सर क्या गारंटी है। तो मैं आज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी भी सर्जरी की कभी कोई गारंटी नहीं होती है। सर्जरी इज ऑलवेज टू रिकवर यू फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग कंडीशन। तो सर्जरी से आपके जो वर्तमान अवस्था होती है उससे आप बहुत अच्छा रिकवरी में जाते हैं, बहुत अच्छा आगे जाते हैं, जोड़ में स्थिरता आती है। और इस बारे में सिर्फ ये कहा जा सकता है कि बहुत फेमस लोगों के लिगामेंट इंजरीज हुई हैं, नी के स्पोर्ट्स इंजरीज हुई हैं और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको रिकवर किया है। आप लोगों ने युवराज सिंह का नाम सुना होगा, उनके घुटने के लिगामेंट की इंजरी हुई है। टाइगर वुड्स जो कि बहुत ही फेमस गोल्फर हैं, उनके घुटने के एंटी क्रूशेट लिगामेंट का सर्जरी हो चुका है। तो बहुत फुटबॉल में ये बहुत कॉमन होता है, बहुत फेमस फुटबॉलर्स के नी के लिगामेंट का सर्जरी हो चुका है एंड दे रिज्यूम बैक टू देयर स्पोर्ट्स अगेन आफ्टर दीज काइंड्स ऑफ सर्जरीज। सो दिस वाज व्हाट अबाउट द बेसिक नी स्पोर्ट्स इंजरीज एंड वी विल टॉक अबाउट शोल्डर एंड अदर स्पोर्ट्स इंजरीज इन नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉक। थैंक यू।